गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे देखते हैं राज्य वित्त आयोग या स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है। यह आगे देखते हैं संविधान के 73rd और 74th संवैधानिक संशोधन कानून के तहत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा एक राज्य वित्त आयोग या स्टेट फाइनेंस कमीशन स्थापित किया गया है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका अर्थ यह है कि हर 5 साल बाद राज्य के राज्यपाल द्वारा एक राज्य वित्त आयोग का गठन होता रहेगा। राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुछ सदस्य होते हैं। उनके कार्य निम्नलिखित हैं, तो वे कौन कौन से काम करते हैं। 1 नंबर है पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और नगर पालिकाओं आदि की वित्तीय स्थिति पर विचार करना और उनके लिए निधि या फंड स्थापित करना। 2रा है राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों की राशि को राज्य सरकार और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की स्वशासनिक इकाइयों जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं, नगर निगम के बीच वितरण किए जाने के सिद्धांत तय करके उनकी सिफारिश करना, जिससे उनकी निधियां या फंड्स स्थापित हो सके। 3 नंबर है स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण और शहरी इकाइयों को कर लगाने संबंधी मामलों के सिद्धांतों को निश्चित करना। 4 नंबर है राज्य की संचित निधि में से स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को वित्तीय अनुदान देने के बारे में अपनी सिफारिशें देना। 5 नंबर है किसी भी अन्य ऐसे वित्तीय मामले पर विचार करके अपनी राय राज्य के राज्यपाल को देना जो राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को सौंपा गया हो। तो बच्चे ये उनके कार्य हैं वित्त आयोग के। आगे है राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह वित्त आयोग की सिफारिशों और रिपोर्टों को राज्य की विधानसभा के सामने पेश कराने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनकी जानकारी भी वह राज्य विधानसभा को दे। तो बच्चों यह था राज्य वित्त आयोग और उनके कार्य। आगे हम लोग देखते हैं राज्य चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन यह क्या है। 73rd और 74th संवैधानिक संशोधन कानून ने राज्यों में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं, नगर निगम आदि के चुनाव कराने की जिम्मेदारी अब राज्य के चुनाव आयोग को सौंपी है। इस राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रदेश का राज्यपाल करता है। इसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं एवं नगर निगम आदि के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, उससे संबंधित मतदाता सूचियों को तैयार करना और उनके चुनावों का निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संचालन करना राज्य चुनाव आयुक्त के निर्देश में राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। तो बच्चों यह था राज्य चुनाव आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन। आगे है योजना समिति या प्लानिंग कमेटी यह क्या है। अनुच्छेद 243(ZD) में ग्रामीण और नगरीय स्थानीय स्वशासन को सफल और प्रभावी बनाने के लिए एक योजना समिति बनाने को कहा गया है। इसके लिए आवश्यक कानून राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए जाने का निर्देश है। जिला योजना समिति के कुल सदस्यों में से 4/5 सदस्य जिला स्तर की
पंचायत अथवा जिला परिषद और जिले की नगर पालिकाओं के सदस्यों में से चुने जाते हैं। स्थानों का निरीक्षण जिले की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात या हिसाब से किया जाता है। जिला की पंचायतों और नगरीय संस्थाओं या नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को इकट्ठा करके पूरे जिले के विकास की संतुलित योजना का प्रारूप तैयार करना इस समिति का काम है। जिला योजना समिति ऐसा विकास योजना प्रारूप तैयार करते समय पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच के समान हित को महत्व देती है। प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष जिला की योजना को राज्य सरकार के पास भेज देता है और उसकी स्वीकृति के बाद उसको अमली जमा पहनाया जाता है, यानी उसे आगे भेजा जाता है। आगे है बच्चों महानगर योजना समिति। महानगर योजना समिति यह क्या है? 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरों को महानगर माना गया है। ऐसे महानगर वाले क्षेत्रों के लिए एक महानगर योजना समिति बनाए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य के विधानमंडलों को कानून बनाकर ऐसी महानगर योजना समिति के गठन, उसके सदस्यों की नियुक्ति के तरीके, समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व को तय करना और समिति के अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाना है। लेकिन इन महानगर योजना समितियों में कम से कम 2/3 सदस्य महानगरीय क्षेत्र के नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों और जिला स्तरीय पंचायतों या जिला परिषदों के अध्यक्षों द्वारा नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में चुने जाएंगे। प्रत्येक महानगर योजना समिति की यह जिम्मेदारी है कि विकास योजना का प्रारूप तैयार करते समय वह नगरीय क्षेत्र के नगर निगम और जिला पंचायत या जिला परिषद द्वारा तैयार की गई योजनाओं में समान हित के मुद्दों का विशेष रूप से ध्यान रखें। महानगर योजना समिति का अध्यक्ष विकास योजना का प्रारूप तैयार हो जाने के बाद उसे राज्य सरकार के पास भेजता है और उसकी मंजूरी मिलने के बाद उसे लागू किया जाता है। तो बच्चों यह था महानगर योजना समिति। यह चैप्टर ख़त्म होता है स्थानीय स्वशासन ग्रामीण एवं शहरी। तो बच्चों आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। आज मैं आप लोगों को इतना ही बतला करके क्लास समाप्त करती हूँ। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।